जी जनाब, सक्सेसफुल कांग्रेचुलेशन फिल्म शूट मार्क के लिए। लोगों को हमने देखा, लोगों को ट्रेलर है, जितने भी गाने आ रहे हैं वो लोगों को बहुत ही पसंद आ रहे हैं। तुमको अच्छा लगा? मुझे सर ट्रेलर बहुत ही awesome गाने लगा, एक लालटेन सॉन्ग बहुत ही अच्छा। तो आप बताइए कि जब भी कोई फिल्म आने से पहले जो ट्रेलर एंड गाने लोगों को पसंद आते हैं, मिलियंस ऑफ व्यू भी हो चुके हैं, इसमें कुछ छुपा भी नहीं सकते, क्या देख होता है आपका एज एन डायरेक्टर? ऑब्वियसली आप पॉजिटिव फील करते हो, आप इनकरेज फील करते हो, एम्पावर्ड फील करते हो, और लोगों के प्यार से बड़ा कोई रिवॉर्ड नहीं है फिल्म को या फिल्म मेकर को या फिल्म से जितने जुड़े लोग हैं उनको। और एक जो हमने देखा जिसके साथ में आपने काम भी किया, मिस्टर अमित जी, अमिताभ बच्चन, उन्होंने कैसे कि उनका भी ट्वीट आया इस फिल्म से रिलेटेड, नसीर जी ने ट्वीट किया, लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं, तो इंडस्ट्री के जो लेजेंड हम जिन्हें मानते हैं उनकी तरफ से जब इस तरह से आता है कि अरे ऑसम यार, बहुत ही अच्छा ट्वीट, क्या टेक होता है आपका? इसमें आपका टेक नहीं हो सकता है, मतलब आप सिर्फ उनका आशीर्वाद मान के उसी को टेक कर सकते हैं और कुछ नहीं है। ये बहुत बड़े दिग्गज लोग हैं, इन्होंने 200 से ऊपर फिल्में की हैं, 30-30, 40-40, 50-50 साल से काम कर रहे हैं, तो ये आप सिर्फ आशीर्वाद मान के चल सकते हैं इसको, इससे ज़्यादा आप वो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में ये प्रेशर रहता है कि आप के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, आप एक लिविंग लेजेंड के ऊपर कहानी बना रहे हैं जो कई घटनाओं और दुर्घटनाओं और कई ऐसे हालातों से गुजरा है जिसमें कई लोगों का योगदान रहा है उसको ठीक करने में, कई लोगों का दर्द, पसीना, खून जुड़ा हुआ है उससे, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको जितनी सच्चाई और जितनी सफाई से दर्शाएं, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। ये प्रेशर शुरू में था, लेकिन संदीप सिंह के खुद जुड़ जाने से प्रोजेक्ट में, स्क्रिप्ट लेवल से लेकर, हॉकी से लेकर, उनके परिवार से लेकर, कहानी से लेकर, सब किरदारों से लेकर जुड़ने से हमें बहुत ज़्यादा मदद मिली और वो प्रेशर हमारे कंधों से हट गया कि भाई अब तो जो है वही हम दिखा रहे हैं। पिक्चर तो कंप्लीट हो चुकी होगी, अगर किसी ने देखी हो या संदीप जी ने खुद देखी हो या आप अगर बता सकते हो क्या स्टेटस है, क्योंकि 30 जुलाई को आने वाली है। पिक्चर बिल्कुल रेडी हो चुकी है और बहुत लोगों ने अभी तक नहीं देखी। इनफैक्ट जो सबसे पहले जिन लोगों ने जो देखी है वो सेंसर बोर्ड ने देखी थी, क्योंकि उन नहीं, बल्कि उन्होंने तो बहुत ज़्यादा प्रशंसा की फिल्म की, क्योंकि हमारा ट्रेलर यूए सर्टिफिकेट था, तो उनको लगा शायद फिल्म भी यूए होगा, नॉर्मली वही होता है, तो उन्होंने इनफैक्ट अपनी तरफ से कहा कि हम चाहते हैं कि ये फिल्म यू सर्टिफिकेट की रहे, क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत ज़रूरी फिल्म है बच्चों को देखने के लिए, क्योंकि इसमें उनके स्पोर्ट्स की इनकरेजमेंट होगी, लाइफ से कैसे आदमी जूझना चाहिए उससे सीख मिलेगी, तो उन्होंने इनफैक्ट कहा कि आपको यू लेना चाहिए, हम यू देंगे आपको। सर हॉकी पर ये फिल्म है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, हॉकी पर अक्षय कुमार जी की गोल्ड पर भी फिल्म आ रही है, हॉकी पर और भी आगे ढेरों सारे पिछले कुछ सालों में हमने देखा फिल्म आ गई आ चुकी है, शाहरुख खान जी ने चल दे लिया हॉकी पर की, लेकिन अभी हाल ही में जो हमें पता चला कि हमें स्कूल से पढ़ते हम आ रहे हैं कि हॉकी जो है हमारे इंडिया का नेशनल गेम है, लेकिन ऐसा है नहीं, कुछ एक्चुअली कुछ हमारे इंडिया का कोई नेशनल गेम ही नहीं है। तो जब आपको पता चला तो हाँ, मैं भी काफ़ी सरप्राइज था, मुझे नहीं पता था कि इंडिया का कोई नेशनल गेम नहीं है, और मैं तो यही बचपन से सीखता हूँ कि हॉकी है, और मुझे लगता है कि शायद हॉकी पे अब ये इतनी फिल्में आ रही हैं, शायद अब हॉकी बन जाए राष्ट्रीय खेल, क्योंकि मुझे लगता है क्रिकेट से ज़्यादा हॉकी पे फिल्में बनी हैं। तो आप चाहेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट से या मोदी जी से कि जो हम पढ़ते आ रहे हैं उसे सच्चाई में? बिल्कुल बिल्कुल चाहेंगे। और म्यूज़िक की मैं अगर बात करूँ सर, तो आपकी म्यूज़िक, आपके गानों में हमेशा या म्यूज़िक में हमेशा गुलजार साहब होते, कोई खास वजह? पसंद भी आते हैं शायद, ये रीज़न भी होगा, लेकिन आप नहीं होने चाहिए गुलजार साहब, बहुत ही सर पसंद आते हैं, क्योंकि देखिए सारे गाने पसंद आ रहे हैं तो इसीलिए हैं, और प्लस मुझे वो इंसान भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं हमेशा पहले इंसान के साथ काम करता हूँ, बाद में टेक्नीशियन के साथ काम करता हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी और अहम है। तो
तो हाँ, मेरा और उनका रिश्ता बहुत सालों से, जब से मैं असिस्टेंट था तब से है, तो बिल्कुल मैं उनसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ, इंस्पायर हुआ हूँ, और हमारी अब एक काइंड ऑफ एक दोस्ती भी है, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो वो सीनियर जूनियर का जो एक रिश्ता रहता है वो ख़त्म हो जाता है, बिकॉज़ आपको काम की बात करनी है, आपको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं अच्छा लग रहा है उसकी बात करनी है, हमेशा हाँ नहीं करना है, आप थोड़ी सी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, नोक झोंक भी होती है, तो वो रिश्ता फिर एक भरपूर रिश्ता हो जाता है। बातें होती है कि सर इस तरह का होना चाहिए या इस तरह का प्रेजेंट किया जाना चाहिए लोगों को, या बिल्कुल आप सहमत हो जाते हैं उनकी सारी बातों से ज़्यादा? नहीं ना, वो मेरी बातों से सहमत होते हैं, तो ये तो पहली फिल्म से ही चलता आ रहा है सिलसिला, और चलता रहेगा, क्योंकि वो एक तरीका है हमारा काम करने का। तापसी जी के बारे में जानना चाहूँ, क्योंकि हमने अब तक उनको एक डिफरेंट अंदाज में देखा है, अब आप उन्हें एक डिफरेंट अंदाज में प्रेजेंट कर रहे हैं। अब तक हमने देखा वो फाइट करती हैं, कई सारे लोगों को एक साथ में मार के गिरा देती अरे हैं, अरे अरे, अब जो है यहाँ पर एक लवर अंदाज में, या गर्लफ्रेंड कह सकते हैं हम, आप इस अंदाज में आपने उन्हें प्रेजेंट किया है, कितना डिफरेंट एक्चुअली था आपके लिए? एक्चुअली मैं तापसी के किरदार के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक कड़ी है फिल्म की, और उसको मैं किसी भी रिश्ते का नाम देके या किसी भी तरह की रिलेशनशिप का नाम देके मैं कुछ डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता क्या है वो, क्योंकि मैंने कभी किसी फिल्म में ऐसा किरदार नहीं देखा है, तो वो रियल लाइफ से ही निकल के आ सकता था ऐसा किरदार, तो मैं उस पर कुछ टिप्पणी या कमेंट नहीं कर पाऊँगा। हाँ, मैं ये कहूँगा कि वो फिल्म की एक आत्मा है, और वो आत्मा का प्योर होना और आत्मा का बहुत साफ और शफाफ पाक होना बहुत ज़रूरी था, जो तापसी के अंदर एक एक कहीं एक उसके चेहरे पे एक ट्रांसपेरेंसी है, एक सच्चाई नज़र आती है, जब वो कुछ कहती है तो लगता है कि वही सच है, तो वो होना बहुत ज़रूरी था फिल्म में, और वो आपको देखने को भी मिलेगा फिल्म में। सर चलते चलते 13 जुलाई को फिल्म आ रही है, तो अपने चाहने वालों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप इस फिल्म को लेकर, सूरमा को लेकर? मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे जितने चाहने वाले हैं, इस फिल्म से जुड़े लोगों के जितने चाहने वाले हैं, क्योंकि इस फिल्म में काफ़ी अच्छे कलाकार, अच्छे टेक्नीशियंस, अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर शंकर एहसान लॉय, गुलजार साहब जुड़े हुए हैं, उन सबके मुझसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं कि वो जाएं और देखें, और मेनली अगर आप हिंदुस्तान की मिट्टी को चाहने वाले हैं, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, अपनी फैमिली वैल्यू सिस्टम के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, रिश्तों के बारे में, और एक ऐसे आदमी के बारे में जो मौत को मात दे के आया है।